नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2021 की तारीखों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, IPL 2021 का आगाज़ कब होने वाला है, इसका फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा, इसके साथ ही IPL 2021 का आयोजन जो है कन्फर्म कहाँ पर हो सकता है, इसके वेन्यू को लेकर भी बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो भाइयों, IPL 2021 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, IPL 2021 को लेकर भारतीय क्रिकेट में अब उत्सुकता तेज हो चुकी है। इस सिलसिले में IPL गवर्निंग काउंसिल कुछ दिन पहले नीलामी की तारीख 18 फरवरी को आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीलामी की तारीख का ऐलान हो गया है, जहां पर 18 फरवरी को जो है ऑक्शन 2021 होने वाला है। मिनी ऑक्शन का आयोजन BCCI करवाने वाली है। उससे पहले सभी IPL टीमें अपने अपने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट भी जो है जारी कर चुकी हैं। अब फैंस के बीच जो सबसे बड़ी उत्सुकता का मसला बना हुआ है वो ये है कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने की तारीख क्या होगी। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि IPL 2021 अप्रैल के पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। हाल ही में ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं ना कहीं ये कयास सही भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 अप्रैल से IPL के 14वें सीजन की शुरुआत हो सकती है, यही संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो विजय हजारे ट्रॉफी और घरेलू महिला वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद 11 अप्रैल से IPL का 14वां सीजन शुरू हो सकता है। BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल के करीबी सूत्रों ने इसे संभावित तारीख के आसपास की ही तारीख माना है। यानी कि दोस्तों, इसी तारीख से जो टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है 11 अप्रैल, तारीख नोट करके रख लीजिए। हालांकि इस तारीख पर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, मगर ये एक संभावित तारीख है, यानी कि इसी तारीख से जो है टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है। बोर्ड और गवर्निंग काउंसिल से जुड़े सूत्रों ने लगभग पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत की सबसे बड़ी T20 लीग का फाइनल मुकाबला जो है 5 या 6 जून को खेला जा सकता है। यानी कि दोस्तों, कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। जहां पर 11 अप्रैल से टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है, वहीं 5 या 6 जून को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है। ये टूर्नामेंट जो है 5 या 6 जून तक चलने वाला है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पिछला IPL UAE में कराना पड़ा था, लेकिन BCCI के एक अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा है कि इस पूरे मसले पर आखिरी फैसला जो है IPL गवर्निंग काउंसिल को ही लेनी है। और जहां तक चॉइस की बात है, तो पहला चॉइस जो है भारत ही होने वाला है, यहां पर ही टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अधिकारी ने आगे कहा कि पूरी संभावना है कि 11 अप्रैल से टूर्नामेंट शुरू हो सकता है। मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हो रही सीरीज के बाद खिलाड़ियों के पास IPL तक के लिए अच्छा खासा ब्रेक होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला तीनों फॉर्मेट की अलग अलग सीरीजों का कार्यक्रम 28 मार्च को खत्म होना है, जिसके बाद सभी खिलाड़ी जो है IPL में अपनी फ्रेंचाइजियों के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, IPL 2021 के वेन्यू को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर दोस्तों IPL गवर्निंग काउंसिल के प्रमुख सदस्य अरुण धूमल ने इस पूरे मसले पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम भारत में ही IPL कराने को लेकर काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसे कराने में सफल रहेंगे। हमने इसके लिए किसी बैकअप के बारे में नहीं सोचा है, जिसकी वजह साफ है कि हमें इस टूर्नामेंट को भारत में ही कराना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के ट्रेजरर अरुण धूमल जी ने शनिवार को कहा है कि भारत में कोरोना महामारी के बाद हालात अब बेहतर हो रहे हैं और ऐसे में अगले IPL के लिए विदेशी मेजबान का विकल्प रखने की कोई दरकार नहीं लग रही है। IPL की संचालन परिषद के सदस्य धूमल ने कहा कि बोर्ड को यकीन है कि 2021 का IPL भारत में ही हो सकेगा। IPL का पिछला सत्र UAE में कराना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हम भारत में ही IPL कराने पर काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यह संभव होगा। इस समय बैकअप के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, हम सभी भारत में ही इसका आयोजन चाहते हैं। इस समय भारत UAE से अधिक सुरक्षित है, उम्मीद है कि हालात स्थिर रहेंगे और सुधरते जाएंगे। दोस्तों, UAE में जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में इसमें गिरावट आई है। UAE में 19 सितंबर को IPL शुरू होने के समय एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के औसत 770 मामले आ जाते थे, जो बढ़कर 3743 हो गए हैं। वहीं भारत में अधिक आबादी वाले क्षेत्रफल के बावजूद भी अब एक दिन में 15,000 से कम मामले आ रहे हैं, जो कि सितंबर में 90,000 प्रतिदिन थे। ऐसे में दोस्तों, भारत में जो है इस महामारी का खौफ कम हो चुका है और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा है। इसी कड़ी में BCCI को यह भी भरोसा है कि IPL 2021 का आयोजन भी जो है भारत में ही हमें देखने को मिलेगा। उसका आयोजन जो है भारत में ही होने वाला है, ना कि विदेशों में। तो दोस्तों, अब जो है तारीख और वेन्यू कन्फर्म होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर तारीखों की बात करें तो 11 अप्रैल से IPL
IPL 2021 की शुरुआत हो सकती है और 5 या 6 जून को इसका फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है। वही दोस्तों ये भी कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में ही IPL 2021 का आयोजन होने वाला है। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स हमारी IPL 2021 को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।